पर तैनात डॉक्टर अजय कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच में जी जान से जुटे हुए हैं। वही डॉक्टर ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि बगैर किट के ही जान जोखिम में डालकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग इस लॉकडाउन में अपने घरों तक पहुंचाने के लिए जब कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही चल दिए। इसी बीच एक जत्था दिल्ली से मऊ जनपद के रोडवेज बस पर पहुंचा, जहां पर यात्रियों ने अपना दर्द सुनाया। कहा कि दिल्ली सरकार के सभी दावे खोखले हैं, मदद के नाम पर लोगों का शोषण कर रही है दिल्ली की सरकार। लॉकडाउन के दौरान जब कोई विकल्प नहीं मिला तो घरों के लिए निकल पड़े हैं। यात्री ने बताया कि अब उसको बिहार बक्सर जाना है। जो बाहर से गाड़ी आ रही है, जो उसमें लोग आ रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, पता लिया जा रहा है कहाँ से वो आ रहे हैं, पिताजी का नाम नोट किया जाए, उनका मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है और उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है। जी तो सर, यहाँ पर किसी तरह की किट की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं, तो कैसे आप लोग काम कर पा रहे हैं जितनी इतनी बड़ी महामारी है कोरोना को लेकर के? अब सर, ड्यूटी है तो काम करना ही है, जो आदेश होगा ऊपर से तो हम लोग काम करेंगे। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। कैसे, क्या बुरा है? बहुत बुरा हाल है, इसीलिए तो हम लोग आ रहे हैं। तो क्या आप लोग का खाने पीने को नहीं मिल रहा है? तभी तो अपने गांव आ रहे हैं, मंजिल के पास अपने आ रहे हैं। क्या क्या काम करते दिल्ली में? दिल्ली में ट्रामा सेंटर में ड्यूटी करता हूँ। ट्रामा सेंटर में तो किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी? कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। कितनी दिक्कतें हुई आने में आपको? रूम मालिक मार के भगा रहा है सब।